हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज बात करते हैं 25 और 26 जनवरी के इवनिंग बूस्टर के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर करंट अफेयर है, विच प्लेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी अवार्डेड विद पद्मश्री अवार्ड। हिमाचल प्रदेश के किस खिलाड़ी को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पद्मश्री जो ये अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है अजय ठाकुर। अजय ठाकुर आपको पता है कबड्डी प्लेयर है, ठीक है, और इसी के कारण कि इन्होंने कबड्डी में जो है हिमाचल का नाम ऊंचा किया है, उसके कारण इनको जो है पद्मश्री से नवाजा जाएगा। एक और यहाँ पर पर्सन है बट मैं उनका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ऐड नहीं किया है, तो उनका नाम है डॉक्टर उमेश भारती। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एंटी रेबीज प्रोटोकॉल बनाया है। ठीक है, तो इसलिए इनको जो है पद्मश्री का अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश विल बी अवार्डेड विद प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। यहाँ पर चार आपको नाम दिए गए हैं जो सभी जो है पुलिस में है, कुछ मतलब जो पुलिस से रिलेटेड ब्रांचेज में ही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अशोक तिवारी। अशोक तिवारी जो है हिमाचल प्रदेश में सीआईडी के एडीजी है। ठीक है, उसके अलावा जो गुरुदेव शर्मा है, संजय शर्मा है, ठीक है, उनको जो दिया जाएगा वो हमारा पुलिस मेडल दिया जाएगा। उसके अलावा जो है जगत पाल है और संजय गुलेरिया भी हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं, मेन जो है अशोक तिवारी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा 25 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है जो डेट्स वगैरह होती है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यूएनआईएसडीआर की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ठीक है, विच कंट्री वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर इन 2018। ठीक है, यानी कि कौन सा देश जो है 2018 में जो नेचुरल डिजास्टर होता है उनको मतलब ज्यादा उनसे अफेक्ट हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया। ठीक है, अब अगर बात करें यूएनआईएसडीआर की, तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो हुई थी 1999 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज स्टार्टेड साउथ एशियन नाइट्रोजन हब टू स्टडी नाइट्रोजन पॉल्यूशन इन इंडिया एंड साउथ एशिया। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत और दक्षिण एशिया में नाइट्रोजन प्रदूषण के अध्ययन के लिए दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब जो है शुरू किया है, तो वो किया है हमारा ब्रिटेन ने। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि ब्रिटेन की जो कैपिटल और करेंसी क्या है, इजी है वो आप बता दोगे अच्छे से। नेक्स्ट है, इंडिया हैज डेवलप्ड LRSAM की फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसे हाल ही में ही जो है लॉन्च किया गया है, मतलब इसका प्रशिक्षण किया गया। ठीक है, तो इसको टेस्ट किया गया। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी कर लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की है, तो ये की गई है इसराइल के साथ। इसराइल की कैपिटल आप सभी को पता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, जेरूसेलम। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो है न्यू शेकेल। ठीक है, शेकेल 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 जो भी बोले आप। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया नेटवर्क हैज स्टार्ट कैंपेन टू वोटर रजिस्ट्रेशन रिमाइंडर ऑन नेशनल वोटर्स डे। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया नेटवर्क ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता पंजीकरण अनुस्मारक के लिए अभियान शुरू किया, तो वो किया गया था हमारा फेसबुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थीम ऑफ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2019। ठीक है, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस था, पिछले भी हमने इवनिंग बूस्टर में डिस्कस किया था कब था। ठीक है, तो 2019 का इस बार का विषय क्या था, तो वो था हमारा इम्पावरिंग गर्ल फॉर ब्राइटर टुमारो, यानी कि थर्ड नंबर का जो है आपका आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन कंट्री हैज अनाउंस टू ब्रेक डिप्लोमेटिक टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट। निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है, तो इसका जो सही आंसर है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला ने यह घोषणा की है कि जो भी राजनीतिक संबंध है अमेरिका के साथ वो तोड़ दिए जाएंगे। वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो है कैराकस, कैराकस। ठीक है, और जो इसकी करेंसी है वो है बोलिवर, बोलिविस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अ न्यू नेवल एयर बेस्ड नेम INS कोहसा वाज रिसेंटली कमीशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी। ठीक है, INS कोहसा नाम का एक नया नौसैनिक हवाई अड्डा हाल ही में ही निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कमीशन किया गया, तो इसका जो सही आंसर है वो है अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट है, इसरो हैज रिसेंटली लॉन्च्ड टू सैटेलाइट्स। ठीक है, कालामैसेट एंड माइक्रोसेट आर। ठीक है, बाय यूजिंग PSLV C44
ठीक है। तो ये आपको एक तो लॉन्च व्हीकल होता है याद रखना है, दोनों आपको यहां पर याद रखने हैं, ठीक है नाम, ठीक है। तो काला मसट जो है वो एक स्टूडेंट सैटेलाइट है, आपको पूछा गया है जो माइक्रोसेट आर है वो किस टाइप की सैटेलाइट है, तो वो है हमारी इमेजिंग सैटेलाइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले भी मैंने द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक वीडियो बनाई है कि कैसे उसे रीड करें, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।